दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जिस तरह से किसी मन पसंद या सुंदर लड़की को देखकर लड़के आकर्षित तो हो जाते हैं, उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उससे लव करने की इच्छा रखते हैं या डीप लव करने की इच्छा रखते हैं, उसी तरह से लड़कियां भी किसी मन पसंद लड़के को देखकर या हैंडसम लड़के को देखकर या उनकी कुछ और इच्छा होती है उसे पाने के लिए या पूरी करने के लिए किसी लड़के से लव और डीप लव करने की इच्छा रखती हैं या फ्रेंडशिप और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लड़के अपनी भावनाओं और इच्छाओं को तो व्यक्त कर देते हैं, वह भी किसी लड़की के सामने खुलकर या उसे प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन लड़कियाँ चाहने के बाद भी जल्दी ऐसा नहीं कर पाती। इसके भी कई एक कारण होते हैं। चलो बताते हैं कि यदि आप भी किसी लड़की का लव पाना चाहते हैं या डीप लव करना चाहते हैं या उसका फोन नंबर पाना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें और कब करें, क्योंकि जब किसी काम की टाइमिंग अच्छी होती है, योजना सही और दमदार होती है, तरीका अच्छा होता है तो सब कुछ थोड़े ही समय में, थोड़े ही प्रयास में सफल हो जाता है या मिल जाता है। वही जब टाइमिंग अच्छी नहीं होती, प्रयास सही नहीं होता या तरीका अच्छा नहीं होता तो एक लड़की सीधे शब्दों में ना बोल देती है। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। नंबर वन, दोस्तों लड़कियों के मामले में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की किसी लड़के के बारे में जब तक सही से जानकारी नहीं कर लेती तब तक वह कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होती। और अक्सर लड़के यही गलती कर जाते हैं कि दो दिन उन्हें किसी लड़की को देखे हुआ नहीं कि प्रपोज करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक लड़की हर हाल में ना ही बोल देगी। सेकंड नंबर, एक बात याद रखें कि जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या कुछ लोग देख रहे हों, ऐसी जगह पर किसी लड़की को बार बार डिस्टर्ब ना करें, उसके ऊपर अपना प्यार थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई एक लड़कियां ऐसी होती हैं जब लड़के किसी के सामने उन्हें प्रपोज कर देते हैं या अपने मन की बात कह देते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़की को बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि ऐसी स्थिति में लोगों के सामने उनकी छवि खराब हो जाएगी और वे लड़के को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, यानी कि मामला बनने की जगह बिगड़ जाता है। तो याद रखें, सबसे पहले उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जब उन्हें आप पर पूरा विश्वास हो जाए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका विश्वास जीत लें तो अपने मन की बात कह दें, क्योंकि जब एक लड़की को किसी लड़के पर विश्वास हो जाता है तो वह अपना मोबाइल नंबर तो क्या, दिल के साथ साथ अपना बिल भी देने के लिए तैयार हो जाती है। थर्ड नंबर, दोस्तों अक्सर लड़के किसी लड़की की नज़रों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट साबित करने के लिए ना जाने कितने तरह के झूठ बोल देते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, और झूठ ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। जिस दिन झूठ से पर्दा उठ जाता है, रिश्ता बनने के बाद भी खत्म हो जाता है। तो कभी कभी आपके द्वारा बोला गया झूठ आपके असफल रहने की पहली वजह भी बन जाता है। फोर्थ नंबर, दोस्तों कई लड़के ऐसे होते हैं जो किसी लड़की से नज़दीकियां बनाने के लिए उसका नंबर किसी और से लेने की कोशिश करते हैं, किसी और का सहयोग लेते हैं, अपनी बात उस लड़की तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा भी भूलकर नहीं करना चाहिए। एक काम जरूर कर सकते हैं, उसके किसी खास से बड़ाई अवश्य कर सकते हैं, यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। फाइव नंबर, दोस्तों ज़्यादातर लड़कियाँ किसी लड़के से किसी भी तरह का रिश्ता रखने से पहले थोड़ा समय अवश्य चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा मौका अवश्य दें, क्योंकि आज के समय में काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो एक लड़के से प्यार तो करने लगती हैं लेकिन उसे परखने के लिए एक दो बार मना अवश्य कर देती हैं और सोचती हैं कि अगर मैंने इसे मना कर दिया
और यह सच्चा प्यार करता होगा तो ऐसे ही हार नहीं मान लेगा, यह बात सच भी है, इसलिए पेशेंस अवश्य रखें। 6 नंबर, दोस्तों ऐसी स्थिति में एक लड़की आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछ सकती है जो क्या से शुरू हो सकते हैं, इसलिए क्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें, लेकिन इस दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, उसे कम न पढ़ने दें, उसे कम न होने दें, यहां तक कि किसी भी तरह का शॉर्टकट भी ना अपनाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।